हमने यहाँ पे लिखा कि 789.369.A, तो इन दोनों को सेपरेट करना, कैसे करें सेपरेट? तो सेपरेट करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, वो लगाएंगे। अब बेसिकली अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो टैक्स स्प्लिट का एक फॉर्मूला होता है। टैक्स स्प्लिट में आप इसको सेलेक्ट कर लें कॉमा, और सेलेक्ट करें अपना कॉलम डिलीमिटर, कॉलम डिलीमिटर किसके अकॉर्डिंग मुझे स्प्लिट करना है। देखिए 789.369.854 ये आगे स्प्लिट हो गया, ठीक है सर। लेकिन अगर टेक्स्ट स्प्लिट को हम ले लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, अब कॉलम स्प्लिटर को नहीं, हम रो स्प्लिटर को डालते हैं। तो देखिए 789.369.854 इस तरह से रो बाय स्प्लिट। ये तो लेटेस्ट एक्सेल का फीचर था, लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना एक्सेल है तो फिर ये चीज नहीं कर पाए, क्योंकि तो पुराने एक्सेल में फॉर्मूला मिलेगा नहीं। तो उसके लिए हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला है। लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से जितना डिजिट बोलोगे उतना डिजिट अलग कर देता है। ऐसे ही राइट फॉर्मूला राइट से जितना डिजिट बोलेंगे उतना डिजिट को अलग कर देता है। और मिड का फॉर्मूला मिड से बीस से, यहाँ पे हमने मिड का फॉर्मूला लगाया और बोला कि भाई तीसरा चौथा पांच, पांचवें डिजिट से चार डिजिट को अलग कर या तीन डिजिट को अलग कर, वो तो आपको मिड से अलग कर। लेकिन प्रॉब्लम कब क्या होगी कि अब मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार। अब सुजीत कुमार में मुझे सुजीत को अलग करना है, कुमार को अलग करना, लेकिन नाम घट बढ़ सकता है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में मेरे पास फॉर्मूला होता है फाइंड का। फाइंड फॉर्मूले में मैंने लगाया स्पेस और हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, फिर हमने लगाया अगेन स्पेस, सॉरी वन वन माफ कीजिएगा, स्पेस नहीं वन। तो फाइंड फॉर्मूला क्या करेगा, बताएगा कि इसमें स्पेस कहाँ है, सातवें नंबर पे। और फिर मैं यहाँ लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और 7-1 कर दूंगा तो लेफ्ट से अलग हो जाए। और राइट फॉर्मूले के लिए सेम ऐसे ही करेंगे और कहेंगे कि राइट में लेन, लेफ्ट लग गया लेन, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से -7 को अलग कर दो, तो ये 7 को अलग करके आपके सामने कुमार देगा। तो सुजीत और कुमार आप देख पा रहे हैं दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। सुजीत और कुमार को हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। अब इसमें नाम जो भी हो, जैसे मैंने यहां पे राज और यहां पे कुमार डाल दिया, फिर राजकुमार को अलग। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं टेक्स्ट को सेपरेट करने। अब चलिए टेक्स्ट के और भी फॉर्मूले अगर सेपरेट करने की बात करें तो नए एक्सेल में कुछ फॉर्मूला आया है नया वर्जन में, जैसे कि टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर। तो टेक्स्ट बिफोर अगर आप लगाते हैं तो किसके बिफोर, तो स्पेस के। और यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर लगाते हैं तो किसके आफ्टर, तो स्पेस के आफ्टर, तो दोनों को अलग। लेकिन अगर सुजीत कुमार सिंह अगर तीन नेम हुए तो क्या करेंगे, तो वही स्प्लिट का फॉर्मूला जो मैंने बताया वो स्प्लिट का फॉर्मूला लगेगा, इस टेक्स्ट स्प्लिट। और हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि भाई स्पेस की बिहाव से रो वाइज अलग कर, इस तरह से अलग कर देंगे, राइट। तो यहां पे आप जो है टेक्स्ट में टेक्स्ट स्प्लिट। अब देखिए चलते चलते हैं, अब एरे और टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कल क्या होता है, ये एरे में काम आता है, फिलहाल इसको इग्नोर करें। बैटेक्स है ही जरूरी। कैर जो है हमारा, कैर बता दिया था, क्लीन बता दिया था, कोर बता दिया था, कॉनकेट भी बताया था। कॉनकेट क्या करता है, ज्वाइन करता है। जैसे आपके पास एक लिस्ट ऑफ नेम है तो आप यहाँ पे कॉनकेट फॉर्मूला लगा के पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करोगे तो कॉनकेट कर देगा। और हमने टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला बताया था ना कि अगर आपको इसके बीच में अगर सेपरेटर चाहिए,
तो आप टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको सेपरेट कर देगा, सेपरेटर लगा देगा। तो ये आपका कॉन्केव। अब बात करते हैं डॉलर एग्जैक्ट का। देखिए डॉलर एग्जैक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यूज करने लायक नहीं। जैसे हमने नंबर डाला तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है कुछ 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 इस तरह फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वर्जिबल नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फिक्स फॉर्मूले, फिक्स होगा हाँ, फिक्स फॉर्मूले के अंदर अपना नंबर डाल देते हैं। तब क्या होगा कि इसके अंदर कुछ भी कीजिए आपका अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वही में एक डॉलर फॉर्मूला भी सेम करता है, तो वो आप में आपको करेंसी का सिंबल भी देता है जो आपका डिफॉल्ट करेंसी है। तो मेरा डिफॉल्ट रुपीज है, रुपीज दे दिया, आपका डॉलर होगा तो डॉलर दे दिया। फिर आता है एग्जैक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा और यहाँ पे मैंने राम लिखा। अब नॉर्मल एक्सेल दोनों के लिए बराबर है, ए राम इक्वल टू ए राम, बोथ आर द सेम, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला में चाहते हैं कि नहीं नहीं दोनों में ऐसा हो कि भाई केस सेंसिटिव हो, पासवर्ड टाइप, तो इसके लिए हम एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एग्जैक्ट फॉर्मूला जो एंटर मारेंगे तो देखिए आपका फॉल्स आया। ट्रू कब आएगा, जब दोनों के बीच में होगा। तो इसमें इफ लगा के अपना जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट एग्जैक्ट फॉर्मूले से ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फाइनल फिक्स हो गया, लेफ्ट हो गया, लेंथ लोअर अपर बता ही दिया था, मिड भी बता ही दिया था, नंबर वैल्यू अभी थोड़ा देर बताता हूँ। नंबर वैल्यू की बारी आती है, तो नंबर वैल्यू क्या करता है, जैसे हमने टेक्स्ट को नंबर में इस तरह से लिख दिया है तो नंबर वैल्यू इसको नंबर में कन्वर्ट करके दिखा देगा, सिंपल। उसके बाद फाइंड और सर्च दोनों एक ही जैसे फॉर्मूले होते हैं। केस सेंसिटिव के लिए बता ही था आपको, अपर लोअर मिडर फॉर्मूला बता ही दिया था कल लास्ट क्लास में कि आप यहां पे अपर से अपर को अपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर करेंगे तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रॉपर करेंगे तो प्रॉपर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा कर देगा, प्रॉपर फॉर्मूला। रिप्लेस हाँ, इसके बाद रिप्लेस पड़ा रैप्ट जो है। रैप्ट का क्या काम है, जैसे मैं ए लिखता हूँ और रैप्ट फॉर्मूला देता हूँ और रैप्ट में बोलता हूँ कि इसको 5 बार रिपीट कर दे तो 5 बार रिपीट कर देगा। अब इसका यूज क्या है ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसको इतना ही समझिए। सर्च फॉर्मूला फाइंड की तरह होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता, फाइंड आपका केस सेंसिटिव होता है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला मैंने बताया था कल लास्ट क्लास में। टी फॉर्मूला में सिर्फ टेक्स्ट को शो करेगा, नंबर को शो नहीं करेगा। कैसे दिखाता हूं, जैसे एक नंबर है और यहाँ पे टेक्स्ट, नंबर है टेक्स्ट है टेक्स्ट है। अब मैं टी फॉर्मूला लगाता हूँ तो नंबर को ब्लैंक दिखाए और टेक्स्ट को दिखा दे। इसी तरह से एन फॉर्मूला होता है तो नंबर को दिखाएगा, टेक्स्ट को जीरो कर देगा। तो फिल्टर वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला हमने बताया आपको कि इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग है, जो भी कोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग से वर्क करेगा। टेक्स्ट आफ्टर बता दिया, टेक्स्ट बिफोर बता दिया, टेक्स्ट ज्वाइन भी बता दिया और हमने स्प्लिट बता दिया, ट्रिम भी बता दिया। अब यूनिकैर यूनिकोड वही कोड एंड कैर फॉर्मूला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका वैल्यू नंबर फॉर्मूला जो वर्क करता है वही फॉर्म आपको वैल्यू भी करता है कि अगर आपने किसी नंबर को इस तरह से टेक्स्ट में डाल दिया तो आप वैल्यू के अंदर लगाइए, ये देखिए वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। और एक फॉर्मूला आता है नंबर टू वैल्यू, टेक्स्ट सबसे लास्ट फॉर्मूला है, क्या नाम है इसका, वैल्यू टू टेक्स्ट। तो वैल्यू टेक्स्ट में अगर मैं कोई नंबर यहां पे रखता हूं, कोई भी नंबर अगर हम यहां रखते हैं तो क्या आएगा, वो आपका टेक्स्ट है। मतलब टेक्स्ट को नंबर में कर सकते हो, तो नंबर को भी टेक्स्ट में करने के लिए हमारे पास वैल्यू टू टेक्स्ट का फॉर्मूला। तो इसमें मैंने सारे फॉर्मूले आपको कवर कर दिए।
बस एक फॉर्मूला रह जाता है वो रह जाता है रैप, क्योंकि रैप को मैंने सही से नहीं बताया क्योंकि रैप थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हम आपको कल बताएंगे। अभी आप सारे फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लें जितने भी आपके टेक्स्ट के फॉर्मूले हैं, फिर हम कल बात करेंगे मैजिक परफॉर्मेंस भी रैप, उसके बाद हम फिर डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि रैप आपका एक एग्जाम्पल तो बनता है, तो चलिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास सेल्स दिया हुआ है और यहाँ पे हमने फिगर दे दिया। अब फिगर देने के बाद अब मान लीजिए हम इस पे होम पे जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और इस आइकन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखिए हमारा इस तरह का आ जाता है डेटा बार। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बार बी कॉलन में आए और बार को लिंक कर सके। मान लीजिए कि मैं अगर उस बार को यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जो डेटा तो आ जाएगा इक्वल करके, बट इसका जो बार है ना, मतलब जो ए बार चार्ट है वो नहीं आ पाएगा, तो मैं चाहता हूँ वो भी आ जाए। तो यहाँ पे रैप फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। रैप इसको सिलेक्ट किए, सॉरी इसको नहीं, यहाँ इसको तो एक करेक्टर देते हैं और नंबर ऑफ रिपीट टेस्ट करेक्टर में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे की तरफ एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाए। अब इसके ऊपर मैं रैप का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, रैप का तो लगा ही दिया, क्या बोलते हैं, बिटैनिक बोल्ट। बिटैनिक बोल्ट जैसे अप्लाई करेंगे ये बार के फॉर्म में आएगा, लेकिन ब्रेक थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम स्लैश बाई फाइव मतलब डिवाइड बाई फाइव कर देते हैं, तो ये आपका छोटा। अब इसकी कलर चेंज करनी है तो टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे तो अपने हिसाब का कलर चेंज हो जाएगा। अब इक्वल करके मैंने वैल्यू ले लिया, अब मुझे इसके सामने इसका बार भी चाहिए तो वो भी हम लिंक कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले से लिंक हो सकता है, बट इसकी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। ठीक है, अब रैप का और क्या क्या यूज हो सकता है आप अपने हिसाब से एक बार सोचें और मुझे कल की क्लास में बताएं। कल हम बात करेंगे रैप फॉर्मूले से रिलेटेड और भी चीजों के बारे में, साथ में बात करेंगे डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। तो कल आई थिंक डेट एंड टाइम कैलकुलेशन में खत्म कर दूंगा, तो परसों एक टेस्ट करेंगे और फिर हम आगे निकल पाएंगे। ओके सर, सर सर मुझे फ्राइडे और आज का जो रिकॉर्डिंग है सर, काइंडली उसको थोड़ा शेयर कर दीजिए सर। ठीक है, मैं मुझे भी पिछले हफ्ते का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? पिछले हफ्ते के डेट्स दीजिएगा तो मैं देखूंगा और पूछूंगा।